मैं आया था मेरे टीम के साथ हॉन्टेड प्लेस में, तो मेरे साथ हुआ कुछ ऐसा घटना। चलो वीडियो को पहले से शुरू करते हैं। सो हेलो गाइस, मैं जा रहा था एक ऐसे गांव पे जिस गांव के बारे में हमारे एक सब्सक्राइबर ने बताया था। उसने बताया था कि एक स्कूल है जिसमें एक चुड़ैल की होने की संभावना बताई जाती है। बट मेरे को यकीन नहीं हुआ और मैं अपने पूरे टीम के साथ उस गांव की ओर रवाना हो गया। तो मेरा सफर शुरू हो गया कुछ इस प्रकार से। मैं पूरी तैयारी के साथ और अपने पूरे टीम मेंबर के साथ उस गांव की ओर सीधा रवाना हो गया। और मैं बताऊंगा क्या ये सच है या झूठ है, और मेरा पूरा टीम आपको रिसर्च के दौरान इसको बताएगा। पे जाएंगे जहाँ पर वो लड़की पहले रहती है। तो देखिए गाइस, यही है वो स्कूल, इसी का पता हमारे एक सब्सक्राइबर ने दिया था, तो हम यहाँ पर आ चुके हैं। इसके अंदर जाने से हमें डर तो बहुत लग रहा है, पर डरने की कोई बात नहीं, हमारे साथ पूरी टीम है हमारी। अब जाएंगे और जो होगा देखेंगे, और आपको एक एक भूत दिखाई भी देंगे हम। तो चलो गाइस चलते हैं, चलिए। अंदर से तो बहुत डरावना लग रहा है भाई यहाँ पर टेंशन नहीं है टीम। तो देख सकते हो यहाँ पर ताला लगा है इस वाले में, और इधर को भी दिखा दो यार। अभी तो हम ये देख रहे हैं वो नया बन चुका है। गांव वालों ने बताया कि इसके पीछे एक बांस का पेड़ है जहाँ पर पुराना स्कूल था, उसी स्कूल है उसकी संभावना बताई गई है। तो चलिए आप जाते हैं। गांव वालों का कहना है कि उस बांस के पेड़ से रात को चीखने की आवाजें आती हैं और वहाँ पर भूत होने की संभावना बताई गई है। तो देख सकते हो इधर तो और खतरनाक लग रहा है, पुराना स्कूल। ये देखिए ये है वो बांस जहाँ से आता है आवाज, यहीं से आवाजें आती है रोज रात को चीखने की। हाँ, और यहाँ पर कहानी वहानी बताते थे बड़े बुजुर्ग लोग। पर वो छोटा सा जो रास्ता दिख रहा है वहीं पे हम निकलेंगे। बहुत डर तो लग रहा है, पर जो होगा वो साथ में चलेंगे। आइए तो देख सकते हैं यहाँ कितना भयंकर जगह है, ये कितना डरावना। देख सकते हो तो हमें तो कुछ ऐसा यहाँ पर दिखाई नहीं दिया जो यहाँ के लोग कहा करते हैं, और हमारे सब्सक्राइबर ने मैसेज करके बताया था। हमने तो यहाँ का पूरी तरह से तलाशी की, पर हमें ऐसा कुछ एहसास नहीं हुआ। तो चलिए थोड़ा और देखते हैं, अगर कुछ मिल जाता है तो। अब लोगों के कहने के मुताबिक यहाँ पर कुछ तो होना चाहिए, पर हमारे छानबीन में तो ये गलत साबित हो रहा है। हाँ, यहाँ पर देखते हैं और कुछ होता है तो। यहाँ पर तो कुछ नहीं दिखा रहे दे रहा है, बुजुर्ग लोग बता रहे थे वो ऐसी में, तो ये गलत है। तो चलो देखते हैं, चलो देखते हैं मिल सकता है शायद तक। अब तो यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा, तो आगे चलकर देखते हैं क्या मिलता है। तो चलिए, हमने तो सोचा था कि यहाँ पर जाएंगे और कुछ मिल सकता है सोचे थे, पर वो हमारे लिए गलत साबित होता रहा। और देखते हैं, चलिए चलिए आपको इस पूरे स्कूल का व्यू दिखा देते हैं, क्योंकि अब रात के तो 1:30 बजा हुआ है, अब हमें भी घर जाना है। चलिए देखते हैं। तो चलिए यार दिखा दीजिए। और देख लो ये कितना डरावना लग रहा है, ये पेड़ देख सकते हो।
गांव वालों के कहने के मुताबिक तो जगह बहुत डरावना है, पर कुछ नहीं पता चल रहा है। यहाँ पे एक रास्ता गया हुआ है, जहाँ के देखें, चलिए देखते हैं क्या मिलता है। जगह तो बहुत खतरनाक है, पर यहाँ पर कुछ होने का संभावना कुछ पता नहीं चल रहा है हम लोगों को। तो वही पर फिर से आ गए। अरे तो वही रास्ता वही पर खुल गया। हाँ, जहाँ से घुसे थे। हाँ, जहाँ से गए थे वहीं पे आ गए हम तो। और कुत्ते उत्ते की भूखने की आवाज आ रही है। वहाँ पर कुछ नहीं मिला तो आप चलते हैं यार घर, क्या करेंगे। चलो यहाँ पर तो कुछ नहीं है, चलते हैं। तो आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं भाई, तो सब्सक्राइब और लाइक तो बनता है। आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। गाइस, आपको कैसा लगा? ये था हमारा एक छोटा सा फ्रैंक वीडियो, हमने आज शूट किया था इस स्कूल में। और आपको बताया हमने कि यहाँ पर भूत होगा, इसी तरह से लोग आपको फ्रैंक करके आपको व्यू बढ़ाने के लिए वीडियो बनाते हैं, अपलोड करते हैं। तो इसके चक्कर में आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ना है, आपको हमारे इस चैनल पर बने रहिए, आपको अच्छी से अच्छी वीडियो हमारे इस चैनल पर मिलेगा।